जिम बाद में, पहले मंदिर। अच्छा, इस वाले प्रॉपर्टी में ना एक बढ़िया चीज दिखाता, रुक जाओ जानिस दिखाता भाई, रुक जाओ। कोल्ड कॉफी वगैरह पी के हो गए एकदम टनाटन, और धूप लग रही है ठनाठन। तो भाई आज यहीं से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज है भाई का 9वां दिन, और भाई ने अभी जस्ट गंगा माँ के वहाँ से साथी को अभी धोके लाए, और ये पता क्या किया भाई ने, कूदा यहाँ से, गलत बात है वैसे तो, ये क्या, कोई बात नहीं माफ़ कर देना भाई। देखा जाए तो पानी का जो लाइक स्पीड है वो बहुत तेज है भाई साहब, लेकिन यार ऋषिकेश है तो प्यारा भाई, नो डाउट, मस्त है एकदम। रात को तो भाई ऐसे एकदम पूरे वो बादल आ जाते नीचे, यहाँ नीचे आ जाते पूरे बादल सारे। तो भाई चले फिर, तो भाई आज निकल रहे हैं हम घर की तरफ, और ब्रेकफास्ट वगैरह हम देख लेंगे रास्ते में ही कहीं बाहर, क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट करते करते ना थक चुके हैं भाई साहब। तो अब जाएंगे बाहर, बाहर कहीं और देख लो, ऐसा कुछ सा है पूल, और ये छतरी, और ऐसा सा है होटल, देख रहे हो सही है एकदम। और इसी के साथ में बिल्कुल बगल में चल रही है गंगा माँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस लिफ्ट में भाई एक खासियत दिखाता हूँ, मतलब इस वाले प्रॉपर्टी में ना एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ जानिस दिखाता हूँ, रुक जाओ फ्लोर दिखाता हूँ, इसमें 10-12 फ्लोर है ना इसमें ऊपर, यही तो नहीं दिखाना ना, रुक जा भाई खुल जा सिम। तो भाई मैं जो दिखा रहा था ना वो ये है, ये देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर कहाँ पे है, और ये हम थे कहाँ पे, पहली बार देखा है मैंने कि मतलब 6 फ्लोर नीचे जाना होता है अगर आपको जमीन छूना है तो। होटल ऐसे ही होते हैं, पहाड़ में ऐसे होते हैं। ठीक है भाई तो चलते हैं, हो गया सब कुछ पैकिंग, और अब हम निकल रहे हैं। अच्छा था स्टे वगैरह सब कुछ, मस्त बढ़िया एकदम लाजवाब। भाई आज तो कुछ ज्यादा ही मतलब कावड़ वाले आ रहे भाई रे, बाइक भर भर के। भाई और एक चीज बता दो जानी साहब लोगों को, आज हरिद्वार वाला रोड बंद कर रखा है 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, दो तारीख तक। ठीक है भाई समझ गया, भाई ने बोला 2 तारीख तक मतलब बंद है हरिद्वार का रास्ता, तो सभी को देहरादून वाले रूट से डाइवर्ट कर दिया है, और देख लो कितना किलोमीटर बढ़ा दिया है, 310 किलोमीटर कर दिया भाई साहब। जहाँ हमारा घर यहाँ से है 4.5 किलोमीटर, सॉरी 4.5 घंटे 4.5 घंटे ही है भाई, वहाँ पे कर दिया है भाई 7.5 घंटे। और ये देखो मस्त है भाई, कावड़ी है ना मस्त एकदम, देख रहे हो भाई साहब भक्ति में सारे लीन है भाई। तो भाई भाई ने गाड़ी में ही बैठ के फ्रूट्स वगैरह खा लिया, यहीं पे भाई की ब्रेकफास्ट हो गई, और बाकी आगे जाके देखते हैं कोई फल मिलेगा तो फिर और खरीद देंगे भाई। ठीक है, और PCR भी लगी है भाई हमारे, आगे स्कॉट कर रही है क्योंकि जल्दी घर पहुंचना है, मम्मी वेट कर रही है उधर घर पे।
तो भाई हम उतरे थे फ्रूट्स लेने के लिए और कॉफ़ी लेने के लिए, क्योंकि नींद सी आ रही थी आज पता नहीं क्यों, और मौसम भी ऐसे बादल 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 सा हो रहा है, सर के ऊपर मंडरा रहा है बादल। तो ठीक है भाई चलता है भाई, ले लिया कॉफ़ी और फ्रूट्स भी और ठंडा पानी भी। भाई दिखाना पड़ता ना सबको। अच्छा कुछ और फिर, हाँ वो मैं कह रहा था कि आप पियो ना। तो भाई ये सुबह का सबसे पहला कॉफ़ी है, क्योंकि जाना गुड़गांव है और 5 घंटे की सफ़र है, तो भाई को चाहिए कॉफ़ी ताकि नींद वगैरह ना आए। ठीक है भाई चलते आगे। तो भाई पूरे दिन मतलब चलने के बाद अब पहुँचे जाके कोई एक रेस्टोरेंट, यार पहुँच के क्या ही फायदा है, खा तो कुछ नहीं सकते। मतलब देख सकते हैं बस। तो ठीक है भाई चलते हैं, जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, कोल्ड कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। ओके हम फाइनली रुक गए एक रेस्टोरेंट पे, उसका नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया, दिल्ली 36, और भाई पी रहे कोल्ड कॉफ़ी विद आइस क्यूब। मैं दिखाई नहीं रहा हूँ इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं कहा भाई भाई कह रहे कि राज ये देख, मैंने कहा भाई मत देखो, मतलब ठीक है कोई नहीं। तो भाई 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम घर, और उसके बाद भाई कह रहे कि आज योगा बंद करके आज करेंगे जिम। तो भाई कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी के हो गए एकदम टनाटन, और धूप लग रही है ठनाठन। भाई कह रहे कि गर्मी बहुत है भाई, चलो निकलो। ठीक है अब पहुंच जाएंगे घर 2 घंटे में, उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलता हूँ जिम। आज तो पूजा भी नहीं करी भाई आपने, पूजा भी नहीं करी आज तो? कहाँ करी है? फोन में तो नहीं देखा मैंने, होटल से निकल के बाहर ठीक है भाई। तो भाई ने पूजा उसी टाइम कर ली थी, मतलब नमो नमो कर लिया था, और बाकी गर्मी बहुत है भाई, रे इधर साइड रे। भाई कह रहे दोबारा भागना पड़ेगा कहीं और। भाई कह रहे कि 4 दिन रुक के फिर, यही बोल रहे ना? हाँ भाई कह रहे 4 दिन बाद फिर कहीं देखते, तो इस बार मैं देखूंगा, इस बार भाई नहीं देखेंगे, इस बार मैं देखूंगा कोई जगह अच्छी सी। और कमेंट करके बता दो कि भाई जगह तुम लोग यार नाम भी यार ब्लॉग देखते हो ना, कमेंट करते हो ना कुछ करते हो, क्या कर रहे हो भाई? कमेंट में बताओ कि कौन सी जगह जा सकते हैं, कहाँ पर शांति है और जहाँ पर भाई अच्छे से मतलब ध्यान लगा सकते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ आस में मंदिर भी हो और जंगल एरिया हो, बस इतना सा कर दो, काफ़ी है ना इतना। और भाई भूखों के लिए थोड़ा सा खाने वाने का भी अगर इंतजाम हो जाए तो जरूरत नहीं है, भाई का तो खैर ठीक है फ्रूट से पेट भर जाएगा, भाई मेरे लिए थोड़ा देख लेना कहीं से। चलो तो भाई घर जाके मिलता है भाई। भाई बोर्ड तो कहीं मिला नहीं गुड़गांव का, तो भाई को चौक और सदर बाजार देख के समझ जाओ कि भाई पहुँच गए गुड़गांव। भाई 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 ने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है 8 घंटे 9 घंटे, ठीक है मतलब बीच में रुके थे बस कॉफ़ी पीने के लिए। और सोचो भाई बर्थ में इंसान बिना खाए बिना खैर पी तो ली था, और तो पहुंच गए फिर गुड़गांव भाई। अब चल रहे घर, घर पे मम्मी ने बनाए मखाने मस्त मस्त, जाके भाई के तब कूदेंगे मखाने में। तो भाई सबसे पहले हम छोड़ रहे हैं किसको, मैडम को, ठीक है मैडम थक चुकी है भाई बैठे बैठे, तारी गया और ना आऊंगी मैं कभी। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने इलाके में, और ऋषिकेश का जो ट्रिप था, जो
कुछ भी भाई ने किया ऋषिकेश में जाके, वो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। क्योंकि यार तुम लोग प्यार दिखाओगे, तुम लोग कुछ बोलोगे, तुम लोग कुछ शेयर करोगे, तभी यार सामने वाला बंदा कुछ करेगा ना। अगर तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे, तो फिर सामने वाले का ऑटोमेटिकली लाइक वो हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कर दो भाई, भाई को मोटिवेश, ठीक है। और बाकी भाई अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर भाई जाएंगे जिम, है ना। और फिर जिम, हाँ ठीक है, तो फिर जिम वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद खाना वाना खा के अपना भाई आज करेंगे रेस्ट, बढ़िया रेस्ट करेंगे आज। क्योंकि आज भाई के शायद गोडे वोडे सब दर्द होने लगते हैं, बोरे होंगे ना, ऐसे मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और भाई चैनल को कर दो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ये आपका ही चैनल है और बाबा आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, यू नो, तो प्लीज़ कर दो। तो भाई ये देखो घर पहुँचते ही शुरू हो गए भाई, देख रहे हो। क्या कर रहे दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये देखे देखे दे। तो भाई घर पहुंचते ही भाई ने अपना हाथ मुंह धो के अब डालेंगे पानी, तो बोलो हर हर महादेव। तो भाई पूजा वूजा करने के बाद दो दिन बाद मिल रहा है मखाना भाई, सो बहुत मिस कर रहे थे यार। तो भाई मखाना वखाना खा के इसको थोड़ा सा टहलवा के फिर जाएंगे जिम, कह रहा है मेरे को चोरी बटा दो। भाई इसको घुमा रहे, सुसुट्टी करा रहे, देख रहे हो, उछल उछल के आया भाई वहां से, उछलते उछलते आया। तो भाई इस मौसम के साथ और इस लुक के साथ भाई जा रहे जिम, और क्या ठीक मंदिर, जिम, जिम के बाद आके पूजा करके, मतलब आप कहना क्या चाहते हो अभी कि जिम करके आके। अच्छा भाई कह रहे कि आज भाई जिम करके आके फिर जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार है, जिम बाद में पहले मंदिर। अच्छा फिर बंद हो जाएगा। अच्छा भाई कह रहे कि भाई यही कह रहे कि पहले जाते हैं मंदिर फिर जाएंगे जिम, क्योंकि आते आते फिर लेट हो जाएगा और मंदिर हो जाएगी बंद। तो ठीक है भाई, भाई का कहना भी सही है क्योंकि आज मंगलवार है। चलो भाई फिर जिम ही चलो, सॉरी मंदिर ही चलो भाई, फिर पहले फिर जाएंगे जिम। तो भाई घर पे पूजा करके भाई का मन संतुष्ट नहीं हुआ, भाई ने बोला आज चले क्या पूजा करने। चलो भाई बजरंग बली की चाय, बजरंग बली की चाय ऐसा कुछ है अपना जगतपुर का मंदिर, देख लो है ना, मस्त एकदम बढ़िया एकदम। भाई फाइनली भाई का हो गया पूजा कंप्लीट, अब भाई जाएंगे जिम। तो भाई इसी के साथ पहुंच के भाई के जिम, लेकिन यार मार्क्स ढूंढ रहे थे, मार्क्स नहीं मिला। अच्छा इधर मिलेगा क्या, चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं मार्क्स भाई के लिए। भाई ने शुरू कर दी एक्सरसाइज, और देख रहे हो भाई सब ऋषि के सवारी के बाद तो भाई के अंदर एक अलग ही पावर दिख रही है भाई।
तो भाई इसी के साथ आज भाई का होता है जिम समाप्त। भाई ने आज बहुत मेहनत करी है भाई, सोचो भाई ऋषिकेश से विदाउट कहीं स्टॉप लिए ड्राइविंग करे, इतनी दूर आने के बाद फिर घर पे 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर भाई आ गए जिम। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो बोलो अरर महादेव। तो भाई चलो भाई से पूछते हैं जिम करके कैसा लगा भाई। ओहो, मतलब भाई को योगा छोड़ना पड़ेगा है ना। देखा, इधर बॉडी भी दिखा रहे, उधर योगा का भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा दोनों चीज करो। कल का कैसा लगा, कल का दिन डीजी भाई औरों के साथ जो कल पूरा दिन बिताया कैसा लगा? मस्त, पूरा दिन ऑसम। 30 दिन अच्छा मन करता उधर ही, मतलब ऐसे ही चले बस। चलो भाई ठीक है, जानिस देख रहे हो भाई चाहते हैं कि 30 दिन वैसे का वैसे जाए। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है वो वाला ब्लॉग तो जाके वो वाला ब्लॉग देखो, तब पता चलेगा भाई क्यों बोल रहे कि 30 दिन मेरा चाहे काश ऐसा ही जाए। ठीक है, तो बाकी भाई का हो गया जिम डन और अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाके भाई खाएंगे फ्रूट्स, उसके बाद भाई लिखेंगे अपने मन की बात और फिर करेंगे वीडियो को एंड। घर आते ही भाई देखो चाचा भतीजे की बदमाशी हो गई शुरू, देख रहे हो। तो भाई ये देखो डिनर के लिए लड़ते हुए, देखो 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 इसका चलो भाई ये वैसे भाई का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है अंगूर। ठीक है तो भाई कर रहे डिनर फ्रूट्स, खा लो भाई, भूख तो लगी थी भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ वही कोल्ड कॉफी और दे कोल्ड कॉफी। पूरा दिन खत्म करके अब जाके पहुंचे हैं डिनर वगैरह करके भाई ऑफिस पे और भाई लिख रहे हैं आज का अनुभव। तो भाई दिखाओगे जानी इसको क्या लिखा है आपने? एक मिनट, अच्छा चलो भाई बोल रहे एक मिनट रुक जाओ अभी दिखाता हूँ। तो भाई बाकी यार प्लीज़ कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा और ऋषिकेश का जो भी ट्रिप था उसमें आपको कितना मज़ा आया वो सारा कुछ कमेंट में बताना यार प्लीज़, रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना ही ये जो भाई ने मौन व्रत रखा है लोगों तक पहुंचेगी, फिर यूथ को एक अच्छा मैसेज जाएगा और यूथ इस चीज़ को करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को सब करो और जो भी इस चीज़ को करेगा वो भाई को ज़रूर टैग करना। अब भाई बताएंगे कि आज का दिन भाई के लिए कैसा था। तो भाई ने लिख लिया कि आज भाई ने कैसा अनुभव किया है। तो भाई अपने जानिस को दिखाओ आज आपने कैसा अनुभव किया है। तो भाई इसी के साथ बोलो हर हर महादेव।